हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि बैंक यूनियंस ने स्ट्राइक का कॉल लिया है 16 और 17 दिसंबर को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि आपको शायद काफी लोगों को पता लग गया होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वेज सेटलमेंट कंप्लीट हो गया है और इसके ऊपर बहुत ही जल्द मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। थोड़ा अभी टाइम कम मिल रहा है, जैसे टाइम मिलता है मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। जो बैंक जो क्लर्क एम्प्लॉयज की जो सैलरी में रिवीजन हुआ है, ऑफिसर्स में जो रिवीजन हुआ है और जो ऑफिस अटेंडेंट में जो रिवीजन हुआ है, सभी क्लास के अंदर जो भी रिवीजन हुआ है उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए। आज के वीडियो की बात करते हैं। 6 दिसंबर 2021 का ये जो एक सर्कुलर है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का, और इस सर्कुलर में जो बातें कही गई है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। ये सर्कुलर का पेज वन था और ये पेज टू है। इस सर्कुलर में क्या बातें कही गई है, पर्पस यही है कि जैसे ही पता लगा कि इस बार का जो विंटर सेशन का जो बजट जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, इसमें बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल लाने वाला गवर्नमेंट ये बिल लाने वाली है, जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए जो पहले के जो बैंकिंग लॉज है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 1980 है, उनको अमेंड किया जाएगा। जैसे ही इंफॉर्मेशन आउट हुई उसी के बाद में बैंक यूनियंस ने स्ट्राइक का कॉल ले लिया था। उसके ऊपर एक डिटेल्ड आज एक सर्कुलर इशू किया है कि किस दिन क्या क्या एक्टिविटी करनी है। पर्पस यही है कि इस स्ट्राइक को बहुत ही सक्सेसफुल बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है ताकि 16 से 17 दिसंबर की एक नेशन वाइड स्ट्राइक हो और ये एक मैसिव सक्सेस हो। सर्कुलर के अंदर पहले बताया गया है कि सभी अलग अलग स्टेट्स के अंदर धरना प्रदर्शन लगभग लगभग हो गया है। धरना प्रदर्शन ज्यादा कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं होती है, धरना प्रदर्शन के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, इन्होंने एक चेन ऑफ एक्टिविटीज प्लान करी है, उसका ये सबसे पहला पार्ट था धरना, जो कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। 7 दिसंबर को यानी आज के दिन डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन सेंटर्स के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाना था। 8 दिसंबर को यानी कि कल स्टेट कैपिटल्स में डेमोन्स्ट्रेशन किया जाना है और 9 दिसंबर को बैज वेयरिंग का काम है, यानी सभी बैंक एम्प्लॉयज को एक बैज जिसका पर्पस होगा, जिसका मोटिव होगा प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना, उससे रिलेटेड एक बैज प्रोवाइड किया जाएगा और वो आपको पहनना है। 11 दिसंबर को ट्विटर कैंपेन है, जो भी ट्वीट्स जो भी हैशटैग मैसेजेस होंगे वो 10th की नाइट को आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे और 11th दिसंबर को संडे के दिन, सैटरडे संडे के दिन आपको अच्छे से इसको ट्वीट करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको ट्वीट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज जा सके। 13 दिसंबर को मास्क वेयरिंग ऑफ मास्क एंड डेमोन्स्ट्रेशन इन स्टेट कैपिटल्स है, यानी मास्क के ऊपर भी वही लोगो होगा, वही वो मोटिव शो करेगा, प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना होगा। 14 दिसंबर को ऑनलाइन पेटिशन टू प्राइम मिनिस्टर है, एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा और सभी बैंक एम्प्लॉयज से को ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑनलाइन पेटिशन में पार्टिसिपेट करें ताकि वो आपकी पेटिशन ऑनलाइन सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास जाए। 15 दिसंबर को भी डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया है, जो कि सभी ब्रांचेस में या तो लंच के समय, जो लंच टाइम्स होता है ये तब करना होगा, या फिर आफ्टर ऑफिस आवर्स के अंदर करना होगा, ये दोनों तरह के टाइम्स में बताए गए हैं। 15 दिसंबर को ब्रांच के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करना है। इसके बाद में जो लास्ट है 16 और 17, तो आपको पता ही है 2 दिन की स्ट्राइक है, स्ट्राइक का कॉल लिया गया है, पर्पस भी क्लियरली बता दिया गया है कि एजिटेशन शो करना है ताकि गवर्नमेंट पे जोर पड़े कि वो इस बिल को वापस ले। मांग यही है कि बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल को विथड्रॉ किया जाए, ये इस सर्कुलर में बताया गया है। फ्रेंड्स, अब बात ये है कि क्या वाकई में इस जो 2 दिन की स्ट्राइक है क्या इतनी पर्पसफुल है, क्योंकि जिस तरह से डेट्स चूज की गई है 16 और 17 दिसंबर, वो डेट्स पड़ रही है हफ्ते के बीच में, मतलब ड्यूरिंग द मिड ऑफ द वीक। इसका बेनिफिट ये नहीं मिल रहा है कि अगर इसको थोड़ा सा एक दिन और पोस्टपोन किया जाता तो ये पूरा 3 डेज का कंटिन्यूअस एक गैप आता जिसका एक अच्छा असर देखने को मिलता। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो थर्सडे और फ्राइडे के बाद में एक बैंक का वर्किंग डे है, जो कि 18 यानी जो थर्ड सैटरडे है वो बैंक का वर्किंग है, तो 1-2 दिन की स्ट्राइक है, उसके बाद जो दोबारा बैंक ऑफिस खुलेगा, बैंक जाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर संडे है, तो इसको इस तरह से प्लान किया जाता ताकि उसके हिसाब से ज्यादा जोर पड़ता और इसको 16-17 ना करके 17-18 किया जाता, लगातार 3 दिन का एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन अब बैंक यूनियंस ने कॉल लिया है, अब ये वाकई में
सीरियसली इसको अपोज करना चाहते हैं या फिर जस्ट एक दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक का रिपोर्ट कार्ड यही रहा है कि बैंक यूनियंस ऑलमोस्ट सभी चीजों में फेल रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर अभी तक ये उसको मनवा नहीं पाए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये सिर्फ एक दिखावा टाइप में ही चीज चल रहा है, अभी फिलहाल कुछ और बाकी कहा नहीं जा सकता। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आरबीआई से रिलेटेड जो भी वीडियो होगा मैं बहुत ही जल्द इसमें डालने वाला हूँ, तो देखते रहिए दैनिक पोर्टल चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।